तो दोस्तों हम आए हुए हैं जूचंद्र रेलवे स्टेशन पे, और आज दिखाने वाले हैं ये जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा है, और इस रेलवे स्टेशन पर भी कौन सी ट्रेनें आती है वो भी पता चल जाएगा। ये जूचंद्र का ये रेलवे स्टेशन है, और दिखाने वाला हूँ आपको ये पूरा रेलवे स्टेशन, और ये तो ये पूरा चूहू का रेलवे स्टेशन है। ये पूरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके राइट साइड में देखोगे पूरा खाली है, और ये पूरा रेलवे स्टेशन खाली रहता है। पूरा ये रेलवे स्टेशन खाली रहता है जूचंद्र का, और आपको मैं दिखा दे रहा हूँ पूरा रेलवे स्टेशन। ये वसई और नायगांव के बीच में एक और एक स्टेशन आता है जो सेंट्रल लाइन होती है, वहाँ पर ये रहती है, और इसी रेलवे स्टेशन को हम दिखाने पूरी कोशिश करेंगे आपको। और अभी ये मालगाड़ी यहाँ से क्रॉस होगी अभी कुछ ही देर में, और जो पनवेल की जो ट्रेनें आती है, पनवेल से वसई और राजस्थान और दिल्ली की तरफ जाती है, जो पंजाब की तरफ जाती है ये वही आती है। तो ये देखिए ये मालगाड़ी भी क्रॉस हो गई, और पूरा रेलवे स्टेशन है आप देख रहे हैं पूरा खाली है, और इसके आसपास भी पूरा देख रहे हैं आप, गार्डन है, आपको गार्डन दिख जाएगा, और आजू बाजू आपको गार्डन दिख जाएगा, सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी। आगे पीछे देखिए सामने एकदम पूरा खाली खेत है। तो ये जूचंद्र का रेलवे स्टेशन है, और ये इस रेलवे स्टेशन पर कोई ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, इक्का दुक्का लोग रहते हैं। और इसी के साथ साथ देखिए इस साइड भी एकदम पूरा कुछ नहीं है, खाली है। तो ये मुंबई का और इकलौता ऐसा स्टेशन आपको दिखेगा जो खाली रहेगी। ये रोड पे दीवा आती है, भिवंडी आती है, और इसी रोड पर ही सारा सब कुछ आता है। तो ये जूचंद्र रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन में क्या क्या है आप देख ही सकते हैं। कोई कैंटीन नहीं है, कोई पुलिस वाले नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है। इकलौता और उस तरह के रेलवे स्टेशन है जहाँ पर भीड़ बहुत कम आती है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो ये जूचंद्र का रेलवे स्टेशन है, ये पूरा खाली रहता है, और ये मैंने आपको दिखा दिया है, और अभी आप देख सकते हैं। और सामने जो सनराइज़ या सनसेट कैसे नाम से बिल्डिंग है, वो सामने बिल्डिंग है देखिए बनी हुई है, और ये सामने यहाँ पर बिल्डिंग बनी है। ये पूरा रेलवे स्टेशन खाली है पूरा, और ये खाली है, ये देखिए ये जूचंद्र है, और ये पूरा रेलवे स्टेशन यहाँ का खाली है।